माय लव, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड टुडे आई एम गोना शेयर विद यू दिस प्रोडक्ट। ये है मर्स इन्फिनिटी लिप पैलेट। एंड ये जो पैलेट है मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इसका रिव्यू वगैरह बहुत देखा मैंने, काफी अच्छा कलर दे रखा है, खास करके ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला। ये कलर आपको हर लिप पैलेट में नहीं मिलता है, इसमें मिल गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही लिया जाए। एंड ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है ये मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो अपडेट्स है वो आप लोगों को मिलता रहे। एंड या चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि ये जो पैलेट है इसका कलर जो दिया गया है काफी प्रिटी कलर है। एंड व्हाइट एंड ब्लैक ऐसा कलर है जो कि आप बाकी कलर के साथ मिक्स करके डार्क कलर भी बना सकते हो, एंड व्हाइट से आप लाइट कलर भी बना सकते हो, जो कि बाकी जो लिप पैलेट है उस पर मुझे नहीं मिला था, इस पर मुझे मिला है। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना यही पैलेट लिया जाए। एंड इसका रिव्यू वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, वीडियोज़ में मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बट जब तक खुद से ट्राई ना किया जाए तब तक कैसे यकीन कर सकते हैं कि सही में कितना अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैंने ये ऑर्डर किया है, प्राइस भी इसका रीजनेबल है। सो इसका प्राइस है 299, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। ये मुझे 299 पे नहीं, ये आई थिंक मुझे 239 के राउंड पड़ा था, क्योंकि डिस्काउंट चल रहा था। तो चलिए अभी इसको खोलते हैं। तो इस पैकेट के बाद आपको ऐसे मिलेगा, एंड यहाँ पे प्लास्टिक रैप किया गया है, आप देख सकते हो, तो आप समझ सकते हो मैंने इसको अभी तक खोला नहीं है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। बहुत ही सुंदर कलर है, एंड मुझे लगता है अगर ये पैलेट आपके पास हो तो आपको कोई लिपस्टिक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो है ये मैट फिनिश देता है। अब ट्राई करने के बाद पता चलेगा कि ये कितना सच है, सही में ये मैट फिनिश देता है या नहीं देता है। तो चलिए पहले हम पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही क्लासी सा पैकेजिंग है, आप देख सकते हो। एंड इसके अंदर ऐसा ब्रश मिल जाता है, एंड दूसरे साइड पे ऐसा मिल जाता है ताकि लिपस्टिक को आप निकाल के अपने हिसाब से कलर बना पाओ। ये जो लिप पैलेट है ये बहुत ही मज़ेदार है, एंड मैंने कभी ट्राई नहीं किया है लिप पैलेट। ऑनेस्टली मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ट्राई करते हुए। पहले मैं आप लोगों को जो ये शेड्स है वो लिप्स पे ट्राई करके बताऊंगी, एंड उसके बाद मैं कुछ कलर मिक्स एंड मैच करके अप्लाई करूंगी एंड आपको दिखाऊंगी कि कैसे ट्राई करना होता है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ट्राई कर रही हूँ ये वाला।
शेड्स मैंने अप्लाई कर लिया है। सो अभी चलिए खुद से कलर क्रिएट करते हैं एंड देखते हैं कि जो कलर आता है वो मेरे लिप्स पे कैसा लगता है। यहाँ पे मैं दो शेड्स बनाऊंगी, एक लाइट एंड एक डार्क। सो डार्क शेड के लिए मैं लिख रही हूँ ये रेड कलर, तो मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ एंड एक ले रही हूँ ब्लैक, ऑरेंज, ये येलो जो शेड है ये थोड़ा ज़्यादा क्रीमी है बाकी शेड के अकॉर्डिंग। चलिए हमारा जो कलर है वो रेडी हो गया है एंड देखते हैं कि ये जो कलर कैसा लगता है मेरे लिप्स पे। सो आप लोग देख सकते हो ये जो कलर निकल के आया है बहुत ही प्रीटी सा कलर है। मैट तो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे क्रीमी ज़्यादा फील हो रहा है। आई डोंट नो इसको मैट क्यों बोल रहे थे, मुझे तो ये कहीं से भी मैट नहीं लग रहा है, मुझे ये क्रीमी लिपस्टिक ही लग रहा है। तो चलिए अब एक लाइट वाला शेड ट्राई करते हैं। सो मुझे एक न्यूड शेड का मन कर रहा है एंड अभी मैं थोड़ा ये जो शेड है ये ले रही हूँ, ये भी न्यूड शेड ही है एंड ये थोड़ा ले रही हूँ वाइट कलर, थोड़ा सा और वाइट ऐड करूँगी मैं इस पर एंड नाउ हमारा कलर रेडी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही क्यूट सा पिंकिश कलर का एक लिप कलर बनाया मैंने, और जो कि मेरे पे कुछ खास अच्छा तो लग नहीं रहा है, तो मैं इसको थोड़ा ठीक करने के लिए इस पे थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे पर्सनली कैसा लगा। पहली बात तो लिप पैलेट उतना ज़्यादा है नहीं मार्केट में इस रेंज में, और अगर है भी तो आपको ये जो शेड्स है वो नहीं मिलेगा, आपको या तो पिंक शेड में मिलेगा या तो डार्क शेड में मिलेगा। मैंने बहुत ढूंढने के बाद ये लिप पैलेट चूज़ किया है। सो अगर आपको ये सब शेड चाहिए, खास करके ब्लैक एंड व्हाइट लिप पैलेट में आपको चाहिए चाहिए, तो आप ये लिप पैलेट डेफिनेटली खरीद सकते हो। प्राइस भी इसका काफ़ी अफोर्डेबल है तो आराम से खरीद सकते हो। इसके साथ ब्रश मिल जाता है, आपको अलग से ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हो कि ये बहुत ही ज़्यादा मैट फिनिश देगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये कि ये लगाने के बाद मुझे बहुत ही क्रीमी सा फील हो रहा था, मैट लिपस्टिक की तरह फील नहीं हो रहा था। इसका फॉर्मूला बहुत ही क्रीमी सा है एंड खास करके येलो वाला बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। पर्सनली मुझे ये पैलेट प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा लगा, बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे लगा था ये मैट फिनिश होगा एंड मुझे क्रीमी मैट वाला लिपस्टिक बहुत अच्छा लगता है। ये भी मैट फिनिश दे रहा है लेकिन जो जैसा मैंने सोचा था वैसा मैट फिनिश नहीं है। ये कुछ लिप पैलेट ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद ये ट्रांसफर प्रूफ भी हो जाता है, बट ये ट्रांसफर प्रूफ बिल्कुल नहीं है एंड ये देखिए कितने गंदे तरीके से ये स्प्रेड हो गया। मैट की अगर बात करूँ बहुत ही हल्का सा मैट फिनिश देता है, क्रीमी है तो लिप्स ड्राई नहीं होगा आपका। इस पे काफी न्यू शेड भी दे रखा है एंड बाकी जो कलर है वो भी काफी अच्छा है, आप मिक्स करके अपना पसंद का शेड भी बना सकते हो। सो देखा जाए तो ये जो लिप पैलेट है ये काफी अच्छा है, आप लोग डेफिनेटली खरीद सकते हो। एंड जो लोग मेरी तरह सोच रहे हो कि ये बहुत ही अच्छा मैट फिनिश के साथ एक लिप पैलेट है, तो मैं उनको बोलूंगी कि उतना एक्सपेक्टेशन मत रखिए क्योंकि ये उतना अच्छा मैट फिनिश नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैट नहीं है, है लेकिन हल्का सा मैट फिनिश देता है, क्रीमी ज्यादा है। सो या इतना ही, बाकी ये जो पैलेट है ये काफी पसंद आया मुझे एंड ऐसा अगर अफोर्डेबल पैलेट आपको मिल जाए तो आपको लिपस्टिक की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली पैलेट है, डेफिनेटली जा सकते हो इस पैलेट के साथ। सो अगर ये पैलेट आपको पसंद आए एंड आप लोग खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। बाकी आई थिंक इसका ऑफर भी चल रहा है आजकल, दिवाली का जो ऑफर वगैरह वो सब भी चल रहा है तो आप चेक कर सकते हो, काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। एंड दैट्स इट, आई होप ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचाए। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।